हमारी नॉलेज, आई मीन ह्यूमन नॉलेज, पैरानॉर्मल वर्ल्ड के बारे में काफी लिमिटेड है. हमें ऐसा लगता है कि ये दुनिया हमसे बहुत दूर है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एंटिटीज हमें सुन सकती हैं, देख सकती हैं, समझ सकती हैं और जब चाहे हमारे साथ कम्युनिकेट भी कर सकती हैं. एमटीवी डार्क स्प्रोल पे हम इन एंटिटीज को समझेंगे, उन्हें जगाएंगे और उनके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश भी करेंगे. दिस शो इज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड. तो अब शुरू होती है हमारे 9 सीकर्स की जर्नी, जो एक ऐसा डर महसूस करेंगे जिससे कि पैरानॉर्मल वर्ल्ड के प्रति जो उनका नजरिया है हमेशा के लिए बदल जाएगा. Oh my God, बार बार यहाँ तक किसी के चलने की आवाज आती है. Ocean नहीं, they're spelling our name, sir. हम कुछ ऐसी हॉन्टेड लोकेशंस पर जाएंगे और वहाँ की एंटिटीज के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे. तो क्या आज हम खतरे में हैं? अगर है तो दो बार बजाइए. मैं जा रहा हूँ, सर मैं निकल रहा हूँ यहाँ से. क्या आप यहाँ रिश्ता लेकर आए हैं? और ऐसे सवाल पूछेंगे जिन्हें आज तक के किसी ने भी पूछने की जरूरत नहीं की. क्या जब कोई आपकी स्पेस में आता है तो आपको गुस्सा आता है? अगर आप यहाँ पे हो तो क्या हमें दो बार वहाँ पे रिप्लाई आ सकता है? टिंग टिंग दो बार कर. और इस पैरानॉर्मल वर्ल्ड को और करीब से जानने की कोशिश करेंगे. आओ यहाँ पे, आओ, क्या दिखाओ ना. बस शर्त एक ही है कि हमारे सीकर्स को अपना डर काबू में रखना होगा. Relax. Breathe in. And slowly breathe out. Easy. आराम से. और पूरी शिद्दत से यहाँ की एंटिटीज के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करनी होगी. और इसमें जो चूक गया उसे उस लोकेशन पे पूरी रात अकेले बितानी होगी. प्लीज ये रात जल्दी से जल्दी ओवर हो जाए. आई कांट डू दिस एनीमोर. सो डार्क स्क्रॉल अवेट्स देयर डेस्टिनी एज वी स्पीक. वेलकम टू उत्तराखंड, टू आवर हिमालयस, जहां आसमान धरती को चूमता है और दुनिया भर से लोग इसकी खूबसूरती और नजारे देखने आते हैं. पर यहाँ पे कुछ हॉन्टेड जगहें भी हैं जहां लोग तो छोड़िए जानवर भी जाने से डरते हैं. कहा ही जाता है कि यहाँ के पेड़ पौधे जंगल पहाड़ हमेशा आपको देखते रहते, सब कुछ देखते रहते हैं. दिस इज द लैंड ऑफ कॉस्मिक एनर्जी एंड पैरानॉर्मल एनोमलीज. अब शुरू होता है हमारे 9 ट्रूथ सीकर्स की जर्नी. सीकर्स आई थिंक इज द एप्ट वर्ड फॉर अस बिकॉज वी आर सीकिंग द अननोन. मुकाबला अनजान से, हमें पता नहीं है क्या होने वाला है, बट वी आर हियर बिकॉज वी वांट टू सीक समथिंग न्यू व्हिच हैज नेवर बीन सीन बिफोर. MTV डास्क रोल में मैं इसलिए आना चाहता हूँ. मेरे जैसा इंसान जो GTA 5 या कंप्यूटर गेम की तरह जिंदगी को जीता है उसको वो सब करने को मिलेगा जो लोग सोचते हैं कि यार हमारे साथ कभी हो गया था, वो उनकी लाइफ की याद बन जाती है. मैं खुद से करूँगा वो. उस जंगल में, उस डार्कनेस में, इट फेल्ट लाइक कि बस या तो हम हैं और हमारे साथ कुछ ऐसे चीज़ें होने वाली है जिसके बारे में हमें भनक भी नहीं पड़ने वाली है. आई सी अमित सर एंड I'm Amit. Oh my God, like, I'm such a huge fan of him. The wildest dream mein bhi nahi tha ki Amit sir yahan par honge. Hello sir. Mera naam Amit hai. Main bhi aap jaisa ek seeker hoon. Lekin abhi main host hoon. I would love to know you all, you know. Hi sir, like, main Mianu. And like I'm doing fashion student, like I'm a fashion student. I can see that. Yeah.
मैंने अपना नाम म्यान म्यान खुद रखा है. जापानीज कल्चर से मैं बहुत इन्फ्लुएंस होती हूँ. सो जापान पे यू नो लाइक कैट्स को न्यान म्यान कहते हैं. इंग्लिश पे जैसे कि बिल्ली कहते हैं म्याओ म्याओ. सो मैंने उसको जोड़ के आई जस्ट मेट माई सेल्फ म्यान म्यान. सो दिस इज कार्तिक रावत. आई एम फ्रॉम देहरादून. लोकल बंदा हूँ. पहाड़ी सारी जगह घूम चुका उत्तराखंड हिमाचल में. रिमोट से रिमोट विलेजेस जो सुने भी नहीं होंगे जहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में भी लाइट नहीं है, रोड तक नहीं है, वहां तक मतलब सारा. राम राम सर. राम राम. मेरा नाम स्वाति गहलावत है. मैं सोनीपत हरियाणा से हूँ. एमटीवी के ऑडिशंस आपने पहले कुछ किए? या मैं रोडीज में गई थी. सो हाउ डिड इट अफेक्ट यू? लाइक कुछ लाइफ में चेंजेस आया या थिंकिंग में? मेरे घर में डोमेस्टिक वायलेंस होती थी तो इट वाज लाइक कि मैंने वो चीज बाहर लाई तो लोगों को भी इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई. सोसाइटी को तो सबसे ज्यादा और उससे भी ज्यादा हुई रिश्तेदारों को. ऑब्वियसली फ्रीडम तो मिलेगी. अगर नहीं दोगे तो मैं छीन लूंगी क्योंकि फ्रीडम इज माय बर्थ राइट. हम सबकी नजर में आप एक हीरो हैं. थैंक यू सर. इसी तरह लड़ते रहिए. थैंक यू. हेलो सर, माय नेम इज अनुभूति एंड मुझे सब भूति बुलाते हैं. एंड आई एम अ साइकोलॉजी स्टूडेंट. देयर इज अ टैटू. यस सर, आई हैव अ टैटू. कैन वी सी इट प्लीज? ऑफ कोर्स. So it is a Polaroid. मतलब it is a picture with a ghost inside it, holding a camera. And I got it like 3 साल पहले. तो मुझे लगता है कि I have manifested this. I have to say this is a very very cool tattoo. Thank you, sir. Thanks. Hello, sir. I am Shambhavi. Everyone calls me Angel. I am 20 years old and I'm from Jaipur. Everybody calls him Angel or you ask them to call you? No, my parents started. My parents started calling me Angel when I was born. So I'm just too used to being called Angel bachpan se abhi tak. But what are you? Are you angel or a devil? I'm an angel. I'll be an angel till you're sweet to me. Otherwise, I can be a devil. Fine then. Yeah. मेरा नाम साहिल है और मैं इंजीनियर हूँ, बिकेम एन एक्टर हूँ और एक्सप्लोर करने आए हैं, देखते हैं कैसा होता है. So happy you're here. Thank you, sir. My name is Sasa. And I am a clinical psychology aspirant as well as a model. आपको डर लगता है? डर? भूत से? भूत होते हैं. I'm the type of person जो बचपन से ही रात को अकेले पॉपकॉर्न लेके हॉरर मूवीज देखते आ रही है. Being in a very mentally awareness का field, I have a lot of techniques to self-soothe. बोलते हैं ना non-believers का जो एक हमारा cult है, I think उसकी leader मैं होंगी क्योंकि मैं यहाँ पे hypothesis ही लेके आई हूँ. या तो भूत सच्ची में एग्जिस्ट करते हैं ये मैं प्रूव करूंगी, या तो ये मेरे दिमाग में और सबके दिमाग में. इस जर्नी में मुझे ये दिखने वाला. नाइस. हेलो सर. हाय. पार्थिव नानी. आई स्टे इन मुंबई. करंटली प्रोफेशन वाइज तो मैं कंटेंट मैनेजर हूँ. आई एम अ वेरी क्यूरियस पर्सन. मेरे को क्वेश्चंस पूछना बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके आंसर्स ढूंढना उससे भी ज़्यादा पसंद है, और वो आंसर्स पे और नए क्वेश्चंस बनाना उससे भी ज़्यादा पसंद है. तो वो क्यूरियोसिटी जो मेरी है वो दैट इज़ व्हाट हैज़ ब्रॉट मी टू दिस शो. हाय सर, मेरा नाम आर्यन है. आई एम फ्रॉम दिल्ली. आई एम 19. आई एम अ साइकोलॉजी स्टूडेंट. आई एम अ पार्ट टाइम कॉन्टेंट क्रिएटर. आई लव फैशन. फैशन इज समथिंग विच इज़ माई फोर्टे. आपका कभी कोई एक्सपीरियंस रहा है इस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल वर्ल्ड में? या आई हैड अ वेरी स्पूकी इंसिडेंट एक्चुअली. सो एक बार की बात है, मैं और मेरे कुछ दोस्त ऋषिकेश में थे. हम में से एक बहुत स्पिरिचुअल है, तो उसने हमें कहा कि हम गंगा किनारे बैठे हुए थे तो वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर था, तो उसने हमें कहा कि चलो आज रात को इधर हम एक रिचुअल करेंगे. तो हमने कहा ठीक है करते हैं. हम रात को कैंडल्स लेके आए, फ्लावर्स लेकर के आए, ऑफरिंग्स लेकर के आए. व्हाट हैपेंड, द विंड स्टार्टेड ब्लोइंग. इतनी तेज़ हवाएं कि सारी कैंडल्स बुझ गई, सारी फ्लावर्स उड़ गए हमारे, स्ट्रीट लाइट्स बुझ गई, सब कुछ मतलब सन्नाटा सा हो गया. आई स्टार्टेड फीलिंग सो नेगेटिव विद इन माई सेल्फ. हम करके आ रहे हैं, व्हाट्स द पर्पस ऑफ डूइंग इट. उसके बाद फिर मैंने अपनी आंखें बंद की, अपने आप को शांत करने की कोशिश की. लेकिन जब मैंने आंखें बंद की तो मैंने देखा कि इज अ वेरी ओल्ड मैन. वो मेरे विजन में आया और उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो तुम, ये मेरी वेरी एंग्री, तुम किससे परमिशन लेकर यहाँ पे एक रिचुअल कर रहे हो. तो मैंने ये चीज़ बताई और वो बहुत स्पिरिचुअल था मेरा दोस्त, तो उसने फटाक से मान ली और हम वहाँ से निकल गए. लेकिन हम इतनी जल्दी वहाँ से निकले कि हम अपना सामान वहाँ भूल गए काफ़ी सारा. अगले दिन हम अपना सामान कलेक्ट करने के लिए आए जब सुबह, तो हमने देखा कि मंदिर के पीछे टाइल पे एक बाबा जी की फ़ोटो है और वो बाबा जी वही थे जो मेरे विजन में आए थे. और उससे पहले वो फ़ोटो मैंने कभी नहीं देखी.
हमने आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला वो मंदिर नहीं, समाधि थी बाबा जी की. सो वो बाबा जी थे जिनको नहीं पसंद था कि हम वहाँ रिचुअल कर रहे हैं. फिर ना, सो आई वॉज शिट एज स्केयर्ड. अभी भी आई एम लाइक शिवरिंग. काफ़ी अद्भुत एक्सपीरियंस. हाँ, आपकी कहानियाँ सुन के मुझे अपने बोर्डिंग स्कूल की कहानियाँ याद. मैं एक स्कूल है वो बहुत 300 साल पुराना स्कूल है, काफ़ी हॉन्टेड था. एंड एक जगह थी उसको हम लोग बोलते थे डार्क कॉर्नर्स. जब कंप्लेंट करते थे सीनियर्स कि भाई इस एरिया में डार्क कॉर्नर्स में बल्ब क्यों नहीं लगाते, लाइट क्यों नहीं लगाते, इसे लगाते हैं थक गए, लगाते हैं दो घंटे में फ्यूज़ हो जाता है. और कहानी ये थी कि जब कोई लड़के बदतमीजी करते थे या गलत करते थे उनको वहाँ थप्पड़ पड़ते थे. वाओ, नाइस. मैंने बहुत गलतियाँ की, मुझे कभी वहाँ थप्पड़ नहीं पड़ा, तो मुझे नहीं पता ये सच है या नहीं. पर यस, कहानियाँ हैं, लेजेंड्स हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रूथ. ऐसा भी तो हो सकता है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी लाइन में ही प्रॉब्लम हो रही है. सकता है. बताते तो नहीं ना ऐसा आसमान से आई है. अब देखो ये क्या है, ये है क्वेश्चन मार्क. हाँ. ये क्वेश्चन मार्क है बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स का. यू कैन लीड, यू आर द बॉस ऑफ नॉन बिलीवर्स. यस. हु इज इन हर टीम? स्वाति, पार्थ एंड ससा इज अ कैप्टन ऑफ नॉन बिलीवर्स. Well, I think until and unless I see it, it's not there. Or जैसे कि साइंस में बोला जाता है until proven true, it remains false. And believers? believer तो बहुत बड़ा believer. आप पास तो encyclopedia है कहानी की. They completely believe कि ऐसा कुछ भी नहीं होता. And we are still open to, you know, new experiences, which I think should be the case. Don't close yourself. I though was ready to see what is there that's going to come out of these two distinct perspectives clashing together. Definitely, everyone has their own experiences. But I think collectively, we all, including you, at Dark Scroll, we respect that they are our entities. Because jo cheez hum nahi jante, jiske bare mein hum nahi jante hain, ya aaj tak ke, abhi tak ke, mehsoos nahi kiya hai, ho sakta hai wo cheeze ho. But I just feel that we can definitely come to a consensus ki we all respect. We respect the paranormal world. And I think at right here at Dark Scroll, we are all here to find out, to understand. So hum aate hain ab show ke objective pe. Okay. Show ka objective ye hai ki hum paranormal world ki jo entities hain, unse कम्युनिकेट करेंगे. मैं तो चाहूंगा मिलने. बिल्कुल, मुझे भी मिलना है. बिल्कुल चाहूंगा. मुझे बातचीत करनी है. मैं तो चाहती हूँ ये सब गलत प्रूव हो. भाई, मैं नहीं मानती कि ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं रियली. मैं जो मेरे साथ हो रहा है मैं उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ. मैं किसी और बाहर की एंटिटी पे ये ब्लेम नहीं डालूंगी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है या नहीं. लेट मी गेट योर फर्स्ट डार्क स्क्रॉल. लेट मी गेट योर फर्स्ट डार्क स्क्रॉल. And I got shivers down my spine right that moment because ये सबसे ज़्यादा unknown बात थी कि क्या होने वाला है scroll पे. And the moment sir started walking towards that ring, मेरी तो फट गई. हम जहाँ पे हैं इस वक्त, यहाँ से अराउंड 12-13 किलोमीटर दूर मसूरी में ये जगह है जो हमारी पहली हॉन्टेड लोकेशन होगी. ओके. एंड इस जगह का नाम है लंबीधर माइल्स. सो बेसिकली ये एक लाइमस्टोन माइंस है जिसे ब्रिटिशर्स ने खोला था. इन्होंने यहाँ से बहुत पैसे कमाए, लेकिन जो लोग इस माइन में काम करते थे उनके साथ सही सलूक नहीं हुआ. देयर वर नो सेफ्टी नॉर्म्स, बहुत इनह्यूमन कंडीशंस थी. एंड सुनने में आता है व्हाइल वर्किंग इन दीज टनल्स मोर देन 50,000 माइन वर्कर्स डाइड.
And this didn't happen overnight. This happened over the period of time. More than 50,000. More than 50,000. Because they could not breathe. Itna suffocation tha. And wahan pe bahut poisonous gases thi. You know, landslides hue. And uski wajah se, I think ye hadse badhte rahe, ye aise hadse hote rahe. And of course, there came a time when the Britishers left. India ko azadi mil gayi. Lekin ye jo mine workers the, inko azadi nahi mili. Aur ye Britishers chale gaye, lekin thekedar chhod gaye. They also kept exploiting them for greed. Is kahani ka sabse bura pehlu ye hai ki they were managers. Inhone kabhi bhi koi bhi death report nahi ki. Eventually mine jo hai band ho gaya. Lekin wo jo wahan par log mare the inki cheekne chillane ki awaaze aati thi. And aas paas ke log gaon ke log hame batate the ki yahan pe kafi logon ne suicide ki hui hai. काफी कार एक्सीडेंट्स हुए रिसर्च के टाइम ये भी पता चला कि एक हेलीकॉप्टर है वो भी क्रैश हुआ था दैट्स व्हाई इट्स दिस प्लेस गॉट अ नेम दिस प्लेस वाज कॉल्ड द माइन ऑफ डेथ Mine of death. Mine of death. Mine of death. I was very scared कि उन लोगों पे क्या गुजरी होगी, पर वो सोच करके मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि आज भी वो लोग वहीं दफन हैं, क्या आज भी उनकी आत्माएं वहीं घूमती हैं। मैं हिल गई कि ऐसा भी कभी कुछ हो सकता है एक जगह पे जहाँ 50,000 लोगों की डेथ हुई हो, वहाँ पे कैसी वाइब होगी? I don't think anyone can even imagine. It is something you can only experience. Scary, na? Yeah. You know, so I feel that is mine ke jo log the, unka jo dard tha, unka gussa tha, uski wajah se ye jagah jo hai cursed ho gayi. You know, and I think usi curse ki wajah se ye sab hadse hote hain. Ab ye sach hai ya ek legend hai? Do we believe this? Do we not believe this? Is something why we are here? And humne bahut local se bhi baatein ki, humne kafi villagers se baatein ki, to unki kahaniyan bhi hain. Jaise log bolte hain ki वहाँ जो मतलब कुछ अजीब सी हरकतें होती है मतलब जैसे कोई बड़े आदमी या कभी बच्चों की भी आवाज़ सुना देती है एक बार हम लोग जो गांव के लोग हैं उनसे अपना वो पत्थर वत्थर निकाल रहे थे तो जब गाड़ी के पास हम आए तो गाड़ी में इतने बड़े बड़े जो पत्थर थे वो उसमें डल चुके थे मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि ये रात के 12 या 1 बजे इसमें ये कौन डाल रहा है तो मैं गाड़ी से नीचे ही नहीं उतरा उसको भी गाड़ी में बिठा के रखा तो देखा एक जो पुराने ज़माने में जो हाफ पैंट वगैरह पहनते थे एक बनियान वाइट कलर के कोई गोरखा को कहता है क्या बीड़ी मिलेगी तो मैं उसकी ये चीज़ देख के मैं डर गया मैंने कहा ये वाकई में गोस्ट है तो उसके बाद फिर माचिस की तिल्ली जला के बाहर फेंकी तो उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करके हम निकल गए थे वो एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का थोड़ा बुरा था एंड इसी चीज़ को समझने के लिए जानने के लिए कि क्या यहाँ पे वाकई में एंटिटीज हैं वी हैव इंडियाज लीडिंग पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स सो लेट अस इनवाइट सर्वजीत एंड पूजा दे आर द फाउंडर्स ऑफ पैरा साइकोलॉजी एंड इन्वेस्टिगेशन रिसर्च सोसाइटी हाय 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 सर्वजीत नाइस टू मीट यू सेम हियर पूजा बहुत सुना आपके बारे में बहुत पढ़ा थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस थैंक यू ये दोनों हमारी जो पहली हॉन्टेड लोकेशन है लम्बेदार माइंस ये लोग वहां गए थे लेट्स हेयर फ्रॉम देम इन्होंने वहां क्या महसूस किया क्या देखा सो एज इन्वेस्टिगेटर्स एंड रिसर्चर्स एंड साइकिक्स हम दुनिया ट्रेवल करते हैं टू इन्वेस्टिगेट पैरानॉर्मल क्लेम्स ऑफ पैरानॉर्मल स्टोरीज ऑफ पैरानॉर्मल बट आई थिंक लंबी देर माइंस एक ऐसा जगह है जहाँ पे कुछ अजीब ही वाइब्स आती है वहाँ पे इट्स अ प्लेस जहाँ पे वी हैव सेंस्ड अ लॉट ऑफ एंटिटीज ऐसा नहीं कि एक दो हैं कहीं ना कहीं द स्टोरीज ऑफ मोर देन 50,000 डेथ्स ये जगह वो प्रूव करती है सी एज अ साइकिक मुझे एंटिटीज सेंस होती हैं आई कैन सेंस देम आई कैन फील देम एंड
दिस प्लेस इज डार्क. यहाँ पर जो सबसे ज्यादा प्रेजेंस मुझे फील हुई वॉज माइनर्स की प्रेजेंस. नाउ दीज पीपल दे डाइड अ पेनफुल डेथ. इट वॉज अ ट्रोमैटिक डेथ एंड दे वर एंग्री. सो उनका जो पेन, ट्रॉमा, एंगर है इज लिटरली सोक्ड इन दिस प्लेस. एंड या माइनर्स के अलावा यहाँ पर फीमेल एंटिटीज भी मुझे सेंस हुई थी. मतलब एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पर आई heard someone whisper my name right next to my ear and wo female ki awaaz thi. So literally bahut entities and they are dark, they are very dark. Jab hum investigate kar rahe the we found out ke wahan pe bachchon ki entities bhi hai. Now these entities we are not sure where they came from. What hum log ka assumption ye hai ki shayad jo minors wahan pe jinki death hui thi ya fir जो भी वहाँ पे सफ़र किए थे ये उन्हीं के फैमिली मेम्बर्स हैं हु वेयर विद देम इन देयर लास्ट डेज एंड दे ऑल्सो काइंड ऑफ पास्ड अवे विद देम एंड नाउ दे आर टू हॉन्टिंग द माइंस. यहाँ पे ना मतलब सबसे ज़्यादा डेंसिटी डार्कनेस जो मुझे फील हुई वॉज दिस वेरी स्पेसिफिक एंटिटी जो कि एक मैनेजर की है. ही इज़ नॉट अलोन. उसके साथ देर आर सिक्स मोर एंटिटीज इक्वली डार्क. You can call them as bullies of this place because इन्होंने literally बाकी entities को दबा के रखा हुआ है. Human world और non-human world का जो पर्दा होता है उसके beyond वो जाकर जो सारे research experiments करते हैं, जब हमने उसके बारे में सुना I think there was a very different emotion there because it's something that none of us had ever experienced and it was something that all of us were going to experience. So I think chills all around. बहुत सारे हॉटस्पॉट्स भी हैं वहाँ पे. हॉटस्पॉट्स ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है एक लोकेशन में. एंड लंबी देर माइंस में तीन ऐसे जगह हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमको एक्टिविटीज़ हुई थी. एक जगह तो ऐसा है कि मैं, पूजा और हमारी टीम वहाँ पे खड़ी थी एंड हम सब ने, चार लोगों ने एक आवाज़ सुनी जो कि किसी इंसान के भागने की आवाज़ थी. वो इतना क्लियर था कि आप बता सकते हो कि क्वालिटी क्या है वो शू की. इट वॉज सो डैम क्लियर. एंड बट सिर्फ उतना ही नहीं है, उसके ऊपर वाले फ्लोर पे आप जाओगे वहाँ पे इज द ऑफिस ऑफ द मैनेजर जो वहाँ पे बैठते थे, जो सारे उन्होंने टॉर्चर किया है, जो सताया है लोगों को, अभी भी कर रहे हैं मरने के बाद भी, उनका ऑफिस है वहाँ पे. ये सेकेंड हॉटस्पॉट है. लेकिन तीसरा हॉटस्पॉट आई थिंक हमारा फेवरेट हॉटस्पॉट है वो. एंड दैट इज द बेसमेंट. आप यहाँ अगर आओगे इसके पास तो वो बत्तियाँ जलेंगी, वो आपकी प्रेजेंस कंफर्म करेगी हमारे लिए. बेसमेंट के बारे में मुझे सुन के यही लग रहा था कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जीज यू नो सोक्ड इन होंगी वॉल्स में. नेगेटिव एनर्जीज, वेंचफुल एनर्जीज एंड स्पिरिट्स उधर भटक रही होंगी जो ट्रैप्ड हैं एक तरह से. उनके साथ मरने के बाद भी अनफेयर हुआ जा रहा है. सो आई वाज रियली लाइक स्कैर्ड अबाउट द बेसमेंट. लंबी देर माइंड के जो एंटिटीज हैं दे आर स्टिल गोइंग थ्रू दैट पेन. दे कैन स्टिल सी द फायर, दे कैन स्टिल सी द ब्लास्ट्स एंड दे आर स्टिल एंग्री एंड दे आर स्टिल इंजर्ड वेरी मच. एंड एन इंजर्ड एंटिटी इज मोर डेंजरस देन अ नॉर्मल एंटिटी. या बट सर, डू यू थिंक लाइक ऑफ कोर्स आई गेट इट बट एट द सेम टाइम आप उधर जा चुके तो आपको ऐसा लगता है कि दे आर ट्राइंग टू हार्म समवन इन एनी सेंस? आई थिंक वी विल सी दैट व्हेन इट व्हेन ऑल ऑफ यू विल बी देयर. वी हैव आवर ओन रीडिंग्स बट देयर सर्टेन रीडिंग्स दैट विल कीप ऑन चेंजिंग. बार बार चेंज होता रहेगा क्योंकि द एंटिटीज विल रिएक्ट ऑन एन इंडिविजुअल डिफरेंट पीपल. यस. सो आई थिंक एट दिस नोट आई शुड जस्ट रिमाइंड ऑल ऑफ यू कि हम लोग कल वी विल गो टू लंबी देयर माइंड्स. And don't forget tomorrow is a full moon night. Yeah, exactly. Oh. Full moon. Bhai, kaun scene? Honestly. Pehla din, pehli investigation, full moon day. Isse zyada kya hi ho sakta tha? Theek hai, mere contract sign kiya hai, lekin jaante pyar to hai yaar. See you at the Lambidar Mines. Have a good night. Have a night. Good to see you. Thank you, sir. See you tomorrow.
सुबह उठते ही मैसेज आता है, देखता हूँ कि अमित सर का मैसेज है। गुड मॉर्निंग सीकर्स। गुड मॉर्निंग। वेल, आज आपकी पहली इन्वेस्टिगेशन नाइट है जिसके लिए आप सबको 3 टीम्स बनानी है विद 3 सीकर्स। I was like, okay, ठीक है, अकेले नहीं जाना इतनी ऐसी जगह पे, but eventually डर तो उतना ही लग रहा था। Every team must have at least one boy and one girl. Okay. Okay. Be ready. I will see you soon. Team बनाओ। लेकिन ये 3 लोग रूम में ही रह गए, पार्थ, साहिल एंड अनुभूति। तो फिर एक एक वो तो होएगा कि टू बॉयज या फिर टू गर्ल्स। अगर इसी को कुछ पिच करना हो तो कर सकते हैं, मतलब क्या क्या कैसे रहना। हमने अगर टीम बना भी लिया है तो हमारा माइंड भी चेंज हो सकता है अगर आप अपनी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉरवर्ड पुट करोगे। वी हैव नो इशू इन स्विचिंग एंड हम ये 3 ने बोला था, बट मे बी उनको ईगो पे आ गया था कि ये कैसे टीम बन गई, या उनके क्वेश्चंस भी होंगे, आई डोंट केयर अबाउट दैट। ओके, तो फिर अपने आप में कर लो। कार्तिक इज वेरी कंफ्यूज, उसको समझ भी नहीं आ रहा कि वो किसे ले, तो मुझे मौका मिल गया। आई वांट टू चूज यू एंड यू। ओके ठीक है, तो तू मेरा प्यार ले गया। हम सब तैयार तो हो रहे थे बंधन के, लेकिन कहाँ के लिए, कैसे, क्या करना है, क्यों करना है, कुछ नहीं पता। थोड़ा डर लग रहा है लेकिन ज्यादा एक्साइटमेंट है। तो जब हम लोकेशन पे पहुंचे, अमित सर हमारे इंतजार कर रहे थे, हम सारे वहां आए। हेलो सर। हाय सर, कैसे हो आप सब? बढ़िया। वी हैव कम हियर टू इन्वेस्टिगेट, वी आर ऑल सीकर्स, रेडी टू सीक। यस। सो आप लोग की टीम्स कौन कौन सी हैं, कैसे कैसे क्या डिसाइड किया? इट्स अस 3 एंड देन दोस 3 एंड देन दोस 3, लाइक 3 3 3। सो आर यू गाइस कॉन्फिडेंट? यस। ये जो हमारी जर्नी है, लेकिन इसका सबसे बड़ा गोल है दैट वी वॉन्ट टू क्रिएट एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द paranormal world and the human world to find the communication. Is communication ka ek process that you have to open up yourself emotionally, aapko apni awareness heighten karni hai, psychologically open hona hai ki jo aas paas ki jo entities hai wo aapko mehsoos kar sake. This is your stage 1, and once these entities feel your presence, इस बात की गारंटी नहीं है कि ये एंटिटीज आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहेंगी, बिकॉज एंटिटीज डू नॉट लाइक टू मैनिफेस्ट देमसेल्व्स अंटिल प्रोवोक्ड। स्टेज 2 इज यू हैव टू थ्रेटन देम, यू हैव टू इंस्टिगेट देम, यू हैव टू डिस्टर्ब देम, यू have to trigger them. Triggering was the scary part, क्योंकि नहीं पता कि वो energies हम accept करेंगी नहीं करेंगी, कैसे respond करेंगी, गुस्सा तो नहीं हो जाएंगी कहीं। Triggering an entity, it's a very very dangerous thing, so please think about it and be careful. तो मुझे आप ये बताइए कि आपकी जो 3 team है, इसमें कौन सा seeker trigger बनेगा? इस काम के लिए मैं perfect हूँ मुझे लगता है। बाकी तो देखिए। You have a trigger? Who is your trigger? Karthik is a person जो कुछ भी बोल देता है। तो I thought उसको trigger बनाना would be a good decision। हमारी टीम का trigger साहिल। हमने साहिल को trigger बनाया था and I hope it works out। सर हमारी टीम की trigger होगी सासा। Because she's saying कि she's very strong and she doesn't believe in it and she can do it anything। Let's see क्या होता है। Now let's come to your stage 2। Stage 3
अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज कम्युनिकेशन एंटिटीज को महसूस करना उनको समझना शायद इतना आसान नहीं है हमारी लिमिटेड अवेयरनेस और सेंसेस की वजह से सो देयर आर सम डिवाइसेस जिससे वी कैन एनहांस आवर ह्यूमन सेंसेस ओके सो वो डिवाइस क्या है वो तो आपको सर्वोदा और पूजा बताएंगे ओके गुड लक सी यू एट सनसेट आप लोग अपने ब्लाइंड फोल्ड अब हटा सकते हैं so, जिससे पहले हम आगे बढ़े सर्वोदा और पूजा आपको आपके डिवाइस बारे में बताएंगे इसको रेम पॉड बोलते हैं आरईएम पॉड भी बोला जाता है स्टैटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ये बेसिकली ये जो एंटेना है कुछ भी अगर इसके करीब आएगा तो ये सेंस करेगा नीचे इसका छोटा सा बटन है जो कि आपको ऑन करना पड़ेगा चालू हो गई आपको एंटीना को खोलना है एंटिटी से हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इसको हमको चार बार दबाना पड़ेगा आपकी आर्म पे जो डिवाइस है वो एक हार्ट रेट मॉनिटर है ये आपकी हार्ट बीट कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहेगा डिस्प्ले करते रहेगा जब आपकी हार्ट बीट 120 बीपीएम 120 बीट्स पर मिनट के ऊपर जाएगी ये डिवाइस एक बार बीप करेगा और जब 140 बीपीएम 140 beats per minute के ऊपर जाएगी तो ये तीन बार beep होगी Please understand, one of the indicators of fear is elevated heartbeat. जितनी ऊपर heart rate, उतना ज़्यादा डर। One more important thing कि आपको किसी भी चीज़ का वहाँ पे मजाक नहीं उड़ाना है। Because अगर things escalate हुई तो फिर हम भी help नहीं कर पाएंगे। कार्तिक Can you please come in? मैं चाहता हूँ ये टिफिन आप अपने पास रखें और इसको अपने पास रखें मैं इसके बारे में आपको आराम से बताऊँगा क्या सो आप लोगों याद है कल सर्वो ने और पूजा ने हमें यहाँ के बारे में कुछ चीज़ें बताई दे हैड सेंस्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एंटिटी और ये यहाँ के मैनेजर्स की एंटिटीज हैं सो आपकी आज की इन्वेस्टिगेशन और कम्युनिकेशन इन मैनेजर्स की एंटिटीज के साथ होंगे सो आप तीनों अंदर जाएंगे कार्तिक आप ट्रिगर है राइट सो आप वहाँ पे एक टेबल और चेयर मिलेगा आपको मैनेजर के कमरे में टेबल पे आप ये टिफिन रख देंगे ओके आप दोनों जाएंगे दो रिंग्स को ढूंढने ओके जिसको पहले रिंग मिलेगा वो वहाँ खड़ा हो जाएगा और बचा तीसरा सीकर वो फिर अकेले इस रिंग को ढूंढेगा एंड उसके थोड़ी देर के बाद एक सायरन बजेगा एंड नाउ स्टार्ट स्टेज टू आप दोनों जो सीकर्स हैं आप उन मैनेजर्स की एंटिटीज को बोलेंगे मैनेजर साहब आपका पसंदीदा खाना हमने आपके रूम पे टेबल पे रख दिया कार्तिक इस वक्त ये जो सायरन बजता है ये आपका क्यू है कमरे में वापस जाना ओके आप कमरे में वापस जाएंगे आप टिफिन खोलेंगे ओके मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी कार्तिक आपका फेवरेट खाना बचपन में अभी कोई खा ले कोई छीन ले हाउ डू फील बहुत बेकार लगेगा पागल हो जाओगे पागल गुस्सा हो जाओगे ज़्यादा ही इमेजिन इनको कैसा फील होगा ओके एंड अब आप जब खाना खाएंगे ना आप खाना खाते हुए बोलेंगे उन मैनेजर्स की एंटिटीज को चैलेंज करते हुए उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करते हुए आप बोलेंगे अरे भाई तू कहाँ का मैनेजर है ना अपने खेत का मैनेजर होगा समझे ना मैं तो ये खाना खाऊंगा ठीक है तुझे क्या लगता है आज से ये मेरा फेवरेट खाना मैं खाऊंगा इस खाने को तू रोक लेगा मुझे आजा रोक के दिखा दे मैं खाना खा रहा हूँ भाई आ रहा हूँ खाना खाते जाएंगे उसकी अथॉरिटी को उसको चैलेंज करते जाएंगे तब मेरी फटी है कि हाँ भाई ये हो क्या रहा अब लग रहा कि सच में ना मिल जाए मुझे कोई थोड़ी देर के बाद एक और सायरन बजेगा आप भी अब मैनेजर के कमरे में आ जाएंगे एंड नाउ Together, you will start communicating with the manager's entities. इस envelope में
questions. जाने से पहले I just want to tell something. ये जो managers की entities हैं, इनको नहीं मालूम है कि ये मर चुके हैं. और ये अभी भी यहाँ पे जो minors की entities होगी या बच्चों की entities होगी, उनपे अभी भी अत्याचार कर रहे हैं. They are still in the same loop. So I wish you all the best. Thank you, sir. Oh. गाइस नीचे कहाँ से जाना है मेरे को, इसके अलावा और कुछ दिख नहीं रहा. चलो राइट में चलते हैं. कहाँ से बाहर चलो, बाहर चलो, गेट को यहाँ से कूद के थोड़ी जाओगे, बाहर चलो. कूद क्या होगा गाइस, कूद के चलो यार. नहीं प्लीज, आ जाओ चल 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 आराम से. या 124 है मेरी हार्ट बीट, 124 है गाइस मेरी भी. मेरी क्या चेक करियो? 115, इट्स फाइन. मैनेजर सर कहाँ हो आप? नहीं इधर से भी रास्ता, फर्स्ट फ्लोर तो उधर से. मैं क्या लिख लूँ? तू ऊपर जा, हम नीचे जा रहे हैं. चल कह रहा मैं. चल नीचे कहाँ से जाएंगे हम? ढूंढते हैं. सुन एक तो एक जगह पे मत कर दोनों लाइट्स. Not here. अभी थोड़ी गांड फटी. गाइस मैनेजर का रूम मिल गया है. ओके वी आर फाइंडिंग आवर रिंग्स. सर खाना आ गया आपका. बहुत गांड फट रही है. शट अप यार. बेसमेंट कहां से है यार? ओह वेट, डिड यू सी? कम सी व्हाट? क्या था? आई डोंट नो. स्वाति बोल क्या था? आई एम हियरिंग दैट gossiping. Guys, calm down. Literally. Calm down, calm down. It's all right. Everything's all right. एकदम से फील हुआ है. हमें बस ढूंढना है. अब सिर्फ मैनेजर सर से बात करके मजा आएगा. कार्तिक. हाँ जी. तू बोल रहा है क्या? हाँ हाँ. कार्तिक तू अपने आप से बात करना बंद कर, हमारी गांठ फट रही है यहाँ पे. स्वाति चल मेरे साथ, मेरे को यहाँ पे दिखा कोई. मम्मा कसम I swear to God, there's someone here. I'm not even kidding. I got it. Yeah. Mil gayi. First thing. Dusri dhoond bab. Dusri main nahi ja sakti ab. Angel idhar nahi hai. Alag room mein ja. Bahar dekh. Bhai, mere bahut sharp headache ho raha hai suddenly. मेरे बहुत ज्यादा शार्प. एंजल मेक इट थोड़ा शांति से. डोंट बी पैनिक बेबी. या एंजल. यस कार्तिक. यस भाई मैं बाहर भी आ गई, मेरे को बेसमेंट का रास्ता नहीं मिल रहा.
एंजल एंजल हाँ ऊपर आ जल्दी आ क्या जल्दी ऊपर आ ऊपर क्यों आऊँ आ ना आ गई जल्दी आ गई आ गई बोल ऊपर आ क्यों आओ तुम बेसमेंट चाहिए जा या सुन वहां बैठ जा उछल जाएगी अगर क्योंकि वहां थोड़ा उसको बोल दे तू वहां बैठ जा फक रुक जा पूछती हूँ 137 वे भैंचो 141 एंजल काम डाउन काम डाउन हाँ बेसमेंट मिल गया देखो अगर डर नहीं लग रहा तो तू जा मैं चेंज नहीं कर सकती वी कांट चेंज आई थिंक हम दोनों साथ में आए थे यहाँ पे तो दैट इज फाइन हम नहीं चेंज कर सकते हमने रिंग हम दोनों साथ में आए थे आई थिंक वी कैन गो मैं बोल रही हूँ तू जा बाहर से यार यू हैव टू गो हम चेंज नहीं कर सकते ऐसे जिसको मिला है वो उसको बाहर नहीं मिलेगा यू कैन डू इट आई एम डूइंग इट ब्रो माय हार्ट बीट्स 138 आई एम फकिंग रिलैक्स रिलैक्स वी आर हियर बात कर मेरे से बस टेंशन ना कर तू द फक ओके आई कैन डू दिस आई कैन डू दिस आई कैन डू दिस I can do this. I can do this. 141. अजीब सी वाइब है और बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है मेरे को किसी चीज की यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्पाइडर दिख रहा है मेरे को कार्तिक कार्तिक स्वाति एंजल या तुझे जाना था तू पागल है क्या यार मुझे जो मिली है मैं उस पे ही खड़ी रह सकती हूँ हम चेंज नहीं कर सकते एंजल अबे यार ये गलत फंस गई ना उसकी वैसे ही हार्ट बीट 150 जा रही मेरे को फुटस्टेप्स की आवाज आ रही है गाइस कार्तिक आई एम हियरिंग समथिंग क्या कुछ आवाज आ रही है कहां से नीचे से पता नहीं कुछ आवाज आई पैरों की